बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पार्क ऑटो पार्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से कुछ अर्सा पहले हमने ब्रांड न्यू इंजन के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी, जिसमें ऑटोमेटिक इंजन होते हैं, सेल्फ स्टार्ट इंजन होते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक विजिट नहीं की तो काइंडली जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद हमारे एक दोस्त ने ये 1-4 cc का ऑटोमेटिक इंजन मंगाया है। इस इंजन के रिलेटेड आज हम आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस इंजन को परचेज करने के बाद आपको क्या क्या काम करवाना पड़ता है, क्या इसका स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान से इजीली मिल जाता है, अगर मिल जाएगा कौन सी कंपनी का होगा, कितने का मिलेगा, A to Z कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये इंजन आपको कितने का मिल जाएगा, कौन सी बाइक में इजीली फिट हो जाएगा, सारी की सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये इंजन दुबई से इंपोर्ट किए जाते हैं, जो कि होंडे का ब्रांडेड इंजन है, जापानी इंजन है, ये पाकिस्तान से आपको इजीली नहीं मिलता। इस इंजन की जो पावर है वो होंडा CD70 और होंडा प्राइडर के इंजन से डबल पावर है, और ये 1-4 cc का इंजन है, यानी कि 1-5 के इंजन के पावर के मुकाबले में इसकी पावर आपको देखने को मिल जाती है। साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपको सेल्फ देखने को मिल जाता है, उसके बाद इसके अंदर आपको मैनुअल गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है और ऑटो भी गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है। कुछ एक्सेसरीज आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेशल किक होती है, जो कि मार्केट से आपको इजीली नहीं मिलती। ये सेल्फ वाली कॉइल होती है, इसकी मदद से सेल्फ स्टार्ट होता है, ये भी आपको मार्केट से नहीं मिलती। मिल तो जाती है लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की जापानी आपको नहीं मिलेगी। साथ में ये सेल्फ के लिए एक पुश बटन हमें देखने को मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका गियर लीवर। ये गियर लीवर आपको मार्केट से इजीली नहीं मिलेगा। इसकी बनावट आप देख सकते हैं, ये स्पेशल गियर लीवर होता है, स्पेशल इस इंजन के लिए बनाया गया है। अभी इस इंजन को हम डिसअसेंबल कर लेते हैं। डिसअसेंबल करने के बाद चेक करते हैं इसकी कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, कौन सी चीज़ें रिप्लेस होने वाली हैं, उसके बाद इसकी अंदर की कंडीशन कैसी है, क्या ये इंजन हमें मुकम्मल खोलना पड़ता है या फिर इसका हाफ ही सिस्टम हमें खोलने को मिलेगा, जैसे कि हेड सिलेंडर हमें जस्ट खोलना पड़ेगा या मुकम्मल ही इंजन हमें खोलना पड़ेगा। सारी की सारी कंडीशन आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। Could set you free, 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 free off the pain of misery and let you be, 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 be here with me. Could set you free, free, free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. नहीं निकला इसका जस्ट तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।